भाई अब जो लोग लोकतंत्र बचाने के लिए रामलीला मैदान में जुटे हैं, वो लोग उन लोगों की पैरवी कर रहे हैं जो लोग इन्हीं लोगों को भ्रष्टाचारी बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। आज दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया अलायंस की तरफ से एक बड़े महारैली का आयोजन करवाया गया था। इस महारैली का नाम ये दिया गया था लोकतंत्र बचाव यात्रा। अब इसे लेकर के चिराग पासवान जो हैं वो हमलावर होते नजर आ रहे हैं। जब चिराग पासवान पटना एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं और उनसे सवाल पूछा जाता है कि तमाम इंडिया अलायंस के जो नेता हैं वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं, जिसमें खुद बिहार के नेता और बिहार के पूर्व डिप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव भी शामिल हैं, ये तमाम नेता जो है वो दिल्ली पहुंचे हैं, दिल्ली के रामलीला मैदान में वो लोकतंत्र बचाव महारैली में एकजुट हुए हैं। अब इसे लेकर के चिराग पासवान कहते हैं कि देखिए वहां जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं वो शामिल हुए हैं। आज अरविंद केजरीवाल के लिए जो लोग रोना रो रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के साथ गलत हुआ, भी कल वही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ थे। जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अन्ना हजारे के साथ बैठे हुए थे मंच पर, उस वक्त वो हाथ में एक पर्ची लेकर के ये कहते थे कि कांग्रेस वाले भ्रष्टाचारी हैं। और आज देखिए अरविंद केजरीवाल के ऊपर कितने बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और वो आज जेल के भीतर हैं। वही अरविंद केजरीवाल की पैरवी आज कांग्रेस वाले कर रहे हैं, आज वो लोग कर रहे हैं जिनके बाबूजी जेल से रिटर्न हो चुके हैं। देखिए किस तरह से रामलीला मैदान में रैली पर और साथ ही साथ तेजस्वी यादव और अरविंद केजरीवाल पर चिराग पासवान हमलावर हो रहे हैं, सुनवाते हैं उनकी बातों को। भाई अब जो लोग लोकतंत्र बचाने के लिए रामलीला मैदान में जुटे हैं, वो लोग उन लोगों की पैरवी कर रहे हैं जो लोग इन्हीं लोगों को भ्रष्टाचारी बताते हैं। अब मैं नाम लेकर स्पष्ट करता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी की को लेकर बहुत लोग चिंतित हुए कि भैया उनको जेल में डाल दिया गया, उनके साथ गलत सलूक हुआ, और उसके लिए अरविंद केजरीवाल जी के लिए सुरेंद्र साहब के लिए सब लोग वहां पर इकट्ठा हुए। अब ये वही अरविंद केजरीवाल जी हैं जो दिल्ली के उसी रामलीला मैदान में अन्ना हजारे जी के साथ एक पर्ची लेकर घूमते थे भ्रष्टाचारियों की, जिनमें कांग्रेस और विभिन्न पार्टियों के कई नेताओं के नाम होते थे। वो तमाम अधिकांश नेता आज उनके समर्थन में उस मंच पर मौजूद हैं। ये विरोधाभास दर्शाते हैं, ये दिखाता है कि राजनीतिक विडंबनाएं कभी कभी आपको मजबूर कर देती हैं कि कल तक जो आपकी खिलाफत कर रहे थे आज उन्हीं का समर्थन करने आप वहां पर आए। और जहां तक रही बात भैया इंडिया अलायंस की, इस अलायंस में एकता, जहां पर एक राज्य में आप साथ हैं तो दूसरे में आप उन्हीं के खिलाफ हैं। इसका भी मैं उदाहरण देता हूं, आम आदमी पार्टी संभवतः दिल्ली में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस की तारीफें करेगी पर पंजाब जाते जाते उन्हीं की खिलाफत करेगी। तो जब ऐसा अलायंस होता है, आज किसी ने बोला मिलीजुली सरकार, बट अगर ये मिला जुलापन है जहां पर आप साथ भी हैं और आप खिलाफ भी हैं, तो ऐसे में जनता का कम से कम आप विश्वास नहीं जीत सकते। जनता संकल्पित है प्रधानमंत्री जी को की गारंटी को तेजस्वी यादव चाइनीज माल की गारंटी बताएं। भाई मेरे प्रधानमंत्री मोदी की ही ये गारंटी है, जिसने देश को दो दो बार स्थायी सरकार देने का काम किया, 2014 से बड़ी जीत 2019 में और 2019 से बड़ी जीत अब 2024 में हम लोग देखेंगे। ये मोदी की गारंटी, यही वो विश्वास है। और ये वही विपक्ष है जिन्होंने 14 में भी एकजुटता का प्रयास किया, 19 में भी किया, दोनों बार मुंह की खाई। आज की भी तारीख में इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं है कि हम लोग पुनः सरकार बनाने जा रहे हैं और ये 400 पार का लक्ष्य भी सरलता से हम लोग पार कर रहे हैं।